क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने पीसी को रिमोटली कहीं से भी कैसे देख सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत करके एक प्रेजेंटेशन या फाइल पर काम किया, पर जब स्कूल या कॉलेज काम को सबमिट करने गए तो फाइल करप्ट हो गई और आप सोचने लगे कि काश मैं अपने घर के पीसी को यहीं से एक्सेस कर पाता या कर पाती। आप कहीं बाहर हैं और कोई जरूरी डॉक्यूमेंट या फाइल चाहिए जो आपके पीसी में है। फोन तो है पर उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज नहीं। क्या अपना पीसी यहीं से नहीं देखा जा सकता फोन के द्वारा? आपके पापा या मम्मी को कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या रिमोट एक्सेस से उनके कंप्यूटर का कंट्रोल लेकर उनकी तकनीकी उलझन को सुलझाया नहीं जा सकता? पर ये कैसे करें? वैसे तो कई सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप अपने पीसी को रिमोटली कहीं से भी देख सकते हैं, जैसे कि रिमोट पीसी, गो टू माई पीसी, एमी एडमिन, रिमोट यूटिलिटीज, अल्ट्रा वीएनसी इत्यादि। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टीम व्यूअर के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप इसे पर्सनल या व्यक्तिगत रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। लेकिन अगर आप इसे अपने काम के लिए या व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होंगे। टीम व्यूअर की मदद से आप पीसी से, मोबाइल से या टैबलेट से अपना पर्सनल पीसी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। और ये गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से मोबाइल या टैबलेट पर डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए पीसी को रिमोटली एक्सेस और कंट्रोल करना यानी उसे दूर से देखना और नियंत्रित करना सीख लेते हैं। सबसे पहले एक पीसी को दूसरे पीसी से रिमोट एक्सेस करने का तरीका सीख लेते हैं। मान लीजिए कि एक है आपके घर का पीसी और दूसरा कहीं बाहर का पीसी। तो जो घर का पीसी है, आपका मेन या मुख्य कंप्यूटर, वो है होस्ट कंप्यूटर। और जो बाहर का कंप्यूटर है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या साइबर कैफे का कंप्यूटर, वो है रिमोट कंप्यूटर। जो मेन या होस्ट कंप्यूटर है उस पर हमें टीम व्यूअर इंस्टॉल करना होगा, और जो बाहर का कंप्यूटर है या रिमोट कंप्यूटर, उस पर आप टीम व्यूअर को सिर्फ रन कीजिए, उसे इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए teamviewer.com। ये टीम व्यूअर की वेबसाइट खुल गई। यहाँ ऊपर डाउनलोड का बटन है, उस पर अपना माउस लेके जाएंगे तो नीचे एक डब्बा सा खुल जाएगा। यहाँ पर ऑल डाउनलोड्स पर क्लिक कीजिए और अब एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर देखिए, नीचे गए आपके पास यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ऑप्शंस है। विंडोज बाय डिफॉल्ट अपने आप से चुना हुआ है, पर आप इसे मैक, लिनक्स या मोबाइल पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम विंडोज के लिए टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ देखिए डाउनलोड का बटन है, ऑल इन वन टीम व्यूअर फुल वर्जन के नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और अब इस फाइल को सेव कर लीजिए। ये फाइल जो है डाउनलोड हो रही है, लगभग 7.5 MB की फाइल है। तो अगर आपका कनेक्शन स्लो होगा तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। अब ये फाइल यहाँ पर आ गई, इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। ये देखिए अब एक विंडो सी खुल गई। इस सेटअप विंडो में आपको कुछ ऑप्शंस चुननी है। यहाँ देखिए आपको तीन अलग अलग ऑप्शंस या विकल्प दिए जा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये होस्ट कंप्यूटर है, हम यहाँ पर बेसिक इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देते हैं। और फिर नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि आप टीम व्यूअर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम पर्सनल या व्यक्तिगत रूप वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कंपनी या कमर्शियल यूज पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होंगे। और फिर नीचे एक्सेप्ट फिनिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं और अब ये टीम व्यूअर सेटअप हो रहा है। ये सेटअप आपको सिर्फ पहली बार करना होगा। एक बार टीम व्यूअर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो गया
फिर आपको दोबारा दोबारा इंस्टॉल नहीं करना होगा। ये आपको कुछ बता रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं और ये देखिए, ये एक विंडो खुल गई। इसमें आपका आईडी आ गया है और आपका पासवर्ड आ गया है। आप इस होस्ट कंप्यूटर के आईडी और पासवर्ड को ध्यान से लिख लीजिए और फिर ये जो आईडी और पासवर्ड है इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आपको इस जानकारी की जरूरत होगी जब आप किसी रिमोट कंप्यूटर से अपने घर के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये हमारा होस्ट कंप्यूटर जो है इस पर टीम व्यूअर आ गया। अब हम चलते हैं किसी रिमोट कंप्यूटर पर और वहां पर देखते हैं कि टीम व्यूअर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आ गई हूँ एक रिमोट कंप्यूटर पर जो बाहर है। तो यहाँ पर जब मुझे टीम व्यूअर इस्तेमाल करना होगा तो मैं सबसे पहले ब्राउजर में टाइप करती हूँ teamviewer.com और अब वापस से यहाँ डाउनलोड के बटन पर जाते हैं और ऑल डाउनलोड्स पर क्लिक कर देते हैं। अब ये फिर से वही पेज खुल गया। आप यहाँ पर ये ऑल इन वन टीम व्यूअर फुल वर्जन पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया और इस फाइल को सेव कर दीजिए। ये फाइल जो है ये सेव हो गई। यहाँ पर क्लिक किया, ये फाइल खुल गई। लेकिन आप यहाँ पर बेसिक इंस्टॉलेशन की जगह रन ओनली पर क्लिक कीजिए, तो रन ओनली पर क्लिक कर देते हैं और फिर नीचे पर्सनल नॉन कमर्शियल यूज वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं और फिर एक्सेप्ट रन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जो है ये वाला जो सेशन है ये सिर्फ वन टाइम सेशन होगा, जो सिर्फ एक ही बार होगा। तो ये देखिए, तो ये जो है ये रिमोट कंप्यूटर का आईडी आ गया और रिमोट कंप्यूटर का पासवर्ड आ गया। जो आपके घर का कंप्यूटर है जहां हमने पहले इंस्टॉल किया था टीम व्यूअर, आप उसका पार्टनर आईडी यहां पर डाल दीजिए। तो चलिए हम वो वाला पार्टनर आईडी यहां डाल देते हैं। और यहां पर आपके पास दो विकल्प हैं, एक है रिमोट कंट्रोल और दूसरा है फाइल ट्रांसफर। तो फिलहाल मैं रिमोट कंट्रोल पर ही चेक्ड रखती हूँ। फाइल ट्रांसफर के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ और फिर ये कनेक्ट टू पार्टनर के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अब ये आपसे एक पासवर्ड मांग रहा है। ये वही पासवर्ड है जो हमने होस्ट कंप्यूटर पर देखा था, तो हम इसे यहाँ पर डाल देते हैं और फिर ये लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा घर का कंप्यूटर हमने रिमोट कंप्यूटर से खोल दिया। जैसे जैसे वहां पर चेंजेस होते हैं आपको इस कंप्यूटर पर दिखते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक नया पेज खोल देती हूँ और यहाँ पर कुछ टाइप कर देती हूँ, जो भी एक्टिविटी, जो भी गतिविधि आपके होस्ट कंप्यूटर पर हो रही है वो आपको यहाँ रिमोट कंप्यूटर द्वारा दिख रही है। अब आप यहाँ पर उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए ऊपर देखिए ये एक बार सी बनी है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये एक्शन के बटन पे गए और इधर क्लिक किया तो स्विच साइड्स विद पार्टनर, कंट्रोल ऑल डिलीट, आप कंप्यूटर को लॉक भी कर सकते हैं और उसे रिमोटली बूट भी कर सकते हैं, यानी उसे लॉग ऑफ कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं। और भी आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए ये व्यू के बटन पे गए, इधर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप स्क्रीन की रेजोल्यूशन बदल सकते हैं, आप सिंगल विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन की रेजोल्यूशन पे गए तो आप इसकी रेजोल्यूशन को चेंज कर दीजिए। ये देखिए ये जो है रेजोल्यूशन बदल गई और आप वापस जाके उस रेजोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं। आप यहीं से उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर लीजिए। ये देखिए ये हमने फिर से स्क्रीन की रेजोल्यूशन बदल दी। चलिए वापस चलते हैं और हमने ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन को बदल दिया। और आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ ऑडियो वीडियो पे जाएंगे तो देखिए आप चैट कर सकते हैं, आप वीडियोज़ देख सकते हैं, ऑडियोज़ भी देख सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र,
ये एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब हम घर में अगर कोई फ़ाइल भूल गए हैं और स्कूल या कॉलेज या ऑफिस से फाइल्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। हम फाइल ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका होस्ट कंप्यूटर है और ये जो है आपका रिमोट कंप्यूटर। हम यहाँ से कुछ उठा लेते हैं, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स पे गए और यहाँ पर डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे गए, यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट जो है ले लेते हैं, जैसे कि चलिए ये एक फाइल है, एक्सेल फाइल जो है के व्यूज़। तो इस पर क्लिक किया और ये है आपका होस्ट कंप्यूटर। आप यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर आते हैं, इस डेस्कटॉप पर आते हैं और इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और फिर सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये जो फाइल है, ये देखिए, ये के व्यूज़ ये हमारे इस डेस्कटॉप में आ गई। और हम इस प्रकार कोई भी फाइल इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा टीम व्यूअर का सेशन और ये आपको बता रहा है कि आपकी जो फाइल ट्रांसफ़र है ये कंप्लीट हो गई है। जाहिर सी बात है कि दोनों कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, वरना फाइल ट्रांसफ़र या रिमोट कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाएगा। एक और बात आपको यहाँ पर बतानी ज़रूरी है, फ़िलहाल ये सेशन ऑन है, अगर आप चाहें तो आप इस सेशन को बंद कर सकते हैं। ये क्रॉस के बटन पर क्लिक करके आप इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो सेशन है ये बंद हो गया। आप चाहें तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर बदल सकते हैं। यहाँ देखिए, फ़िलहाल ये रिमोट कंप्यूटर का पासवर्ड जो है ये है 3000। आप इस रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करके एक नया रैंडम पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया और एक डब्बा सा खुल गया। यहाँ लिख देते हैं क्रिएट न्यू रैंडम पासवर्ड, ये जो बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। और इस प्रकार आप जितनी बार चाहें आप नया पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो थी बात पीसी से रिमोट एक्सेस की। अगर मोबाइल या टैबलेट से रिमोट एक्सेस करना हो तो कैसे करें, आइए सीख लेते हैं। यहाँ मैं आपको एंड्रॉइड फोन से टीम व्यूअर का प्रयोग करना सिखाने वाली। सबसे पहले आपके होस्ट या मुख्य कंप्यूटर में टीम व्यूअर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, फिर उसे आप अपने फोन पर इंस्टॉल करके पीसी को रिमोटली या दूर से एक्सेस कर सकते हैं। आइए सीख लेते हैं ये कैसे होता है। यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड में बाईं तरफ आपको मेरा कंप्यूटर दिख रहा होगा और दाहिनी तरफ या राइट साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन। तो चलिए हम मोबाइल पर टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। यहाँ प्ले स्टोर में गए और ऊपर सर्च के बटन पर क्लिक किया। अब हम टाइप कर देते हैं टीम व्यूअर, ये टीम व्यूअर आ गया, इस पर क्लिक कर दिया और अब इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं। ये टीम व्यूअर डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो गया और अब हम ओपन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए, ये है वेलकम स्क्रीन, ऊपर नेक्स्ट 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 और फिर डन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए, टीम व्यूअर खुल गया। यहाँ पर आप अपने घर के या होस्ट कंप्यूटर के आईडी को डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए हम टाइप कर देते हैं और डन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये कनेक्शन जो है ये एस्टैब्लिश हो रहा है और अब आपसे आपके होस्ट कंप्यूटर का पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं। ये देखिए, ये जो आपका कनेक्शन है आपके कंप्यूटर से ये लग गया और अब आपको कुछ बताया जा रहा है स्क्रीन पे कि कैसे आप माउस के फंक्शंस अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये रही हमारी होम स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पर जो भी है वो आपको इधर दिखेगा।
आपको नीचे टास्क बार के कुछ फंक्शंस बता देती हूँ। ये है क्रॉस, अगर आप क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो आपका सेशन बंद हो जाएगा। फिर है कीबोर्ड, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक कीबोर्ड खुल जाएगा, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। वापस गए, ये देखिए एक टूल बना हुआ है, इस पर क्लिक किया, इसमें ये सारे एक्शंस हैं। आप चाहें तो कंप्यूटर को रिमोटली लॉक भी कर सकते हैं और उसे रीबूट कर सकते हैं वगैरह। और वापस गए, इधर क्लिक किया, ये देखिए ये जो है आपके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं या एप्स वगैरह कुछ कमांड्स यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन जो बात आपको बतानी ज़रूरी है वो है ये देखिए यहाँ पर एक है चक्री, इस चक्री पर क्लिक किया तो एक नई स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ पर देखिए आप जो है अपने कंप्यूटर की रेजोल्यूशन बदल सकते हैं और यहाँ पर ये रिमोट कर्सर को एनेबल कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्योंकि जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, वापस गए, तो आपका एक जो कर्सर है ये स्क्रीन पे आ जाता है, फिर आप इस कर्सर को मूव करके और अपने हिसाब से उस कंप्यूटर को क्लिक कर लीजिए। ये देखिए जैसे होम है, हमने होम पर क्लिक किया तो हमारी स्क्रीन जो है कंप्यूटर की वो रिफ्रेश हो गई। और गए यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये एक पेज है सपोर्ट अस, इस पर क्लिक किया तो ये कंप्यूटर जो है रिमोटली कंट्रोल हो रहा है। इस प्रकार से आप अपने घर के कंप्यूटर को मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम सेशन को बंद कर देते हैं। अगर सेशन को बंद करना हो तो ये क्रॉस का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये सेशन जो है अपने आप बंद हो जाएगा। क्लोज कनेक्शन, क्लोज के बटन पर क्लिक किया, ये देखिए ये टीम व्यूअर का जो सेशन था ये बंद हो गया। और ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। हमारे होस्ट कंप्यूटर पर भी ये एक अलर्ट आ गया है, हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब आपने सीख लिया है कि अपने पीसी को आप दूर से या रिमोटली कैसे देख सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।